नमस्कार सर। नमस्कार भाई, बोलिए सर। प्रदेश में सरकार द्वारा युद्ध स्तर पर डोर टू डोर स्क्रीनिंग करवाई जा रही है। अभी पूरे प्रदेश में तीसरी बार स्क्रीनिंग चल रही है, लेकिन जो सैंपलिंग के जो मामले हैं इसमें स्थिति थोड़ी अलग है सर। सैंपलिंग केवल चिन्हित क्षेत्र में हॉटस्पॉट पर ही की जा रही है। मेरा निवेदन है सर, स्क्रीनिंग में जो ILI जो वायरस जनित लक्षण पाए जाते हैं उनकी, और जो जिनका लक्षण मिलता है उनकी सैंपलिंग होती है, और जब तक वो नमूना लेते हैं और जब तक उसका रिजल्ट आता है तब तक वो रोग अधिक फैला देते हैं। मैं इसमें एक सुझाव देना चाह रहा हूँ। मेरा ये निवेदन है कि स्क्रीनिंग में जिस व्यक्ति के भी लक्षण पाए जाएं उसी समय पंचायतों में, इस समय सीनियर सब पंचायतों में हायर सेकेंडरी स्कूल हैं, सब स्कूलें बंद चल रही हैं, तो हर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर जो हायर सेकेंडरी स्कूल है उसको संस्थागत क्वारंटाइन कर दिया जाए। जैसे ही वो स्क्रीनिंग में वो लक्षण मिलते हैं तो वो तत्काल उसको स्कूल में क्वारंटाइन कर देंगे, तो कम से कम 5-6-7 आदमियों से ज्यादा उस पंचायत में मिल नहीं सकेंगे, तो क्वारंटाइन करने से आगे वो रोग नहीं फैलेगा। इसके अलावा मैं ये भी निवेदन करूंगा सर, जैसे मैं WHO और MSI की मापदंड है, MCI की मापदंड है कि क्वारंटाइन सेंटर पर प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रत्येक शौचालय जरूरी है। अपन ये नरेगा में ये शौचालय बनाया जा सकता है, और जब नरेगा में शौचालय बनाया जाएगा तो आराम स्कूलों का आधारभूत संरचना भी उसमें अच्छी हो सकती है, वो ढांचा भी अपना सुधर जाएगा। और तीसरा मैं निवेदन करना चाहूंगा साहब कि ये जो संस्थागत सेंटर है अगर इनमें रिजल्ट आने तक रोक दिया जाता है, और CSC स्तर पर अभी तक जो सैंपलिंग हो रही है तो CSC स्तर पर 50-40 किट दे दिए जाए हर CSC को और उसकी सैंपलिंग हो जाए, तो और फिर जो सैंपल होने के बाद जिला स्तर पर मंगवा लिया जाए, तो कम से कम आपके जो शहरों में जो दबाव बन रहा है अगर वहाँ पंचायत लेवल पर ऐसा हो जाता है तो शहरों में दबाव कम आएगा, परिवहन का खर्चा बचेगा, रोगों का जो फैलाव कम होगा, और स्कूल में संसाधन बढ़ेगा, और नरेगा में भी रोजगार सृजित होगा। मैं ये निवेदन करना चाहूंगा सर कि CSC स्तर पर सैंपलिंग के 50-50 किस दिए जाने चाहिए, एक तो मैं ये निवेदन करूंगा। दूसरा, जरा आपने अनाउंस किया था कि 2000 चिकित्सकों को तत्काल ज्वाइन करवाया जाएगा, इनकी पूरी प्रक्रिया पूरी हो गई है लगभग। अब ये अगर इस समय ये चिकित्सक अगर ज्वाइन करवा दिए जाते हैं और जहां जहां रिक्त पद है तो इस समय ये बहुत ही अच्छा रहेगा सर। डॉक्टर भर्ती पूरी करवा दो। हाँ, थैंक यू, बहुत धन्यवाद आपका। और सर, मेरा निवेदन है कि आप ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग और फैक्ट्रियां शुरू करने की बात कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंस और लॉकडाउन की पालना करते हुए अनुमति दी आप, मजदूरों को फैक्ट्रियों के आसपास किसी परिसर में रखने के प्रावधान किया है। मैं इसमें कहना चाहूंगा सर, आज जो गांव में जो स्थिति है, बाहर के जो मजदूर थे राज्यों के वो करीब करीब सब जा चुके हैं, और फैक्ट्री में जो काम करने वाले लोग हैं वो 10-20 किलोमीटर दूर से आने वाले हैं। मेरा इसमें सर सुझाव है कि जो भी मजदूर बाहर राज्यों से आए हैं, एक तो उनका रजिस्ट्रेशन करवाया जाए। हमारे राजस्थान से बाहर के लोग भी आए हैं, अगर उनका रजिस्ट्रेशन करवाया जाए और रजिस्ट्रेशन करवाकर लोकल फैक्ट्रियों में उनको काम दिलाया जाए। फैक्ट्रियों के जो मालिक है प्रत्येक 15 दिन में वो अगर 10% मजदूरों का टेस्टिंग कराते हैं अपने खर्चे पर, तो एक तो सरकार का पैसा बचेगा और टेस्टिंग भी हो जाएगी, और हमारे जो मजदूर हैं उनको मजदूरी मिल जाएगी। इसी तरह मैं निवेदन करना चाहूंगा सर कि ये जो प्रवासी मजदूरों की बात है, इनको काम देने के लिए आप केंद्र सरकार से निवेदन कर भी रहे हैं, और जिसका जॉब कार्ड नहीं भी है अगर आधार कार्ड पर दिया जाता उसको और भुगतान उसकी ऑफलाइन हो जाती है तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। आज जो कुछ ऐसे सिलेक्टेड लेबर होती है जो स्पेशल उस फैक्ट्री में स्पेशलाइज मजदूर होते हैं, अगर वो चले भी जाते हैं तो वो कितना ही प्रयास कर लेंगे वो फैक्ट्रियां नहीं चल पाएंगी सर। मैं एक निवेदन करूंगा। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। मैं केवल